अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। मेरे साथ अली शाह थे, तो इनके एक फ्रेंड थे, वो आए, वो नेदरलैंड से मूव कर रहे थे दुबई। तो उन्होंने कहा, यार मैं बहुत ज़्यादा जॉब्स अप्लाई कर रहा हूँ और अभी हो नहीं पा रहा है। ही वॉन्टेड टू मूव हिज फैमिली टू टू दुबई। सो आई आस्क्ड हिम कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो कह रहे थे, यार हमने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ली हुई है और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई ऑफर्स नहीं आ रही हैं। उस बात पे फिर लिंक्डइन की एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी निकली। तो आई थॉट के अली शाह ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि उन्होंने 100,000 डॉलर बनाए हैं लिंक्डइन के थ्रू। तो मैंने कहा, पहले वो तो चले गए वो साहब, लेकिन अली साहब हमारे साथ हैं। तो अली साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वली? नाइस मीटिंग यू यार, आफ्टर आफ्टर वन एंड और मे बी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स नाउ, नास समिट के बाद से हम मिले। तो लोग जो है ना लिंक्डइन को जिस तरह से यूज़ करते हैं, अब 6 महीने से जब से मैं इसको एक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। सो आप मुझे ज़रा अपनी स्टोरी बताएं कि वो जो 1 लाख डॉलर्स आप कह रहे हैं कि बनाए आपने थ्रू लिंक्डइन, हाउ वॉज दैट? जी, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच वली। सो बेसिकली आई थिंक द स्टोरी इज एज यू आल्सो सेड के इट बॉयज डाउन टू कि हम जब स्टार्ट करते हैं लिंक्डइन पे, तो हम समझते हैं यार ये जॉब के लिए ही टूल है, और इसके थ्रू हम जस्ट जब जब अपने जॉब बदलनी है तो फिर आप सीवी अपडेट करेंगे और फिर आप लिंक्डइन के प्रोफाइल के थ्रू यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल, बट दैट्स द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसको लाइव रखना है। सो इट हिट मी ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो कि मैंने भी, मेरे पास भी कोई 2,000 फॉलोअर्स होते थे जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं, टेलीकॉम का जो नेटवर्क था, IIT का नेटवर्क था। एंड आई रियलाइज एंड आई मेड अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ कि यार मुझे ना डेली लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। और इंटरेस्टिंगली ये चीज़ खुद ही से हिट हुई और मैंने ये स्टार्ट कर दिया। और मुझे थोड़ा सा ना अर्ली इसका फायदा भी हुआ कि मेरे तकरीबन 6 मंथ्स में कोई 4,000 फॉलोअर्स हो गए थे, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट। अब होता ये था कि मैं जो बात कर रहा होता हूँ, मैं बात करता हूँ कि यार कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, जो हम खुद पिछले 8 सालों से मैं खुद कर रहा हूँ, मल्टीपल स्टार्टअप्स मैंने किए, फिर बिजनेसेस खड़े किए, कुछ फेलियर्स भी हुए हैं, कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं, वो सारी लर्निंग्स मैं उस पर शेयर कर रहा था। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करता हूँ, बिकॉज हमारा एक इन्वेस्टमेंट्स का, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन का, कमर्शियल का बिजनेस भी है। सो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, कैसे आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्लस इन्वेस्टमेंट्स, दीज कैन लीड यू टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो दैट इज माई निश एंड आई टॉक अबाउट दैट अ लॉट, आई शेयर प्रैक्टिकल आइडियाज ऑन लिंक्डइन अबाउट कैसे कर सकते हैं। उसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि आई स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स, के लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, जो दोस्त थे जानने वाले थे, कि वी आर रियली लाइकिंग योर कॉन्टेंट। मुझे लिंक्डइन पे मैसेज आ जाता था कि आपने जो पोस्ट की है, जिसपे आपने कोई प्रैक्टिकल बात की है, आपने बताया कि यार कोई नया बिजनेस खड़ा करना है तो उसमें ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा रीजन बनते हैं फेलियर के किसी भी बिजनेस के स्टार्ट में। सो इससे इसको इससे कैसे बचना है। सो ये चीज़ हमें बड़ी इंपॉर्टेंट लगी है, क्योंकि मैं, मेरे जो दोस्त है वो कहते हैं कि हम ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं फ्रॉम जॉब टू एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमें समझ आ रही है हमने कैसे करना है। सो इसी तरह अ फ्रेंड ऑफ माइन रीच आउट टू मी अ फ्यू मंथ्स बैक एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, एंड ही सेड कि यार आपका, मैं देख रहा हूँ लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, एंड आई एम गेटिंग क्वाइट गुड इनसाइट्स। मैंने कहा गुड यार, दैट्स गुड। एंड ही इज बेस्ड आउट ऑफ कराची, आई एम बेस्ड आउट ऑफ इस्लामाबाद। सो आई सेड कि यार कभी इस्लामाबाद आना तो लेट्स मीट अप, एंड ही सेड डेफिनेटली, एंड यू डू द सेम इफ यू विजिट कराची, लेट्स मीट अप। सो इवेंचुअली ही एंडेड अप बीइंग इन इस्लामाबाद एंड वी एंडेड अप मीटिंग। So we met almost after 15 years because we were colleagues at Mobilink. Now it's called Jazz, but back then it was Mobilink, back in 2008. So we ended up having a chat. I told him about the businesses that I'm doing right now, and he was quite excited because he was very much into entrepreneurship help himself. Acha karte karte, kyunki wo IT ka banda tha, mere zehno aur mein gumar mein meri baat thi ki ye kabhi investments ki taraf bhi aa sakta hai. He started talking about मेरा जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ही सेड कि यार उसका बताएं, जो तखलीक का आपका वेंचर है थोड़ा सा उसके बारे में तो बताएं। सो वी एंडेड अप चैटिंग अबाउट दैट, आई शेयर द ब्रोशर ऑफ माई, जो हम एक कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं इस्लामाबाद के पास, 7 स्टोरी, इसमें अपार्टमेंट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, एंड ही गॉट मोर इंट्रीग। अच्छा ये तो उसने कहा यार मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ इस्लामाबाद तो मैं आपके साथ साइड विजिट करूँगा। सो आई सेड फाइन। इन द मीन टाइम मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ना इन चीज़ों के बारे में, जो ये फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इनके बारे में रेगुलर वेबिनार्स भी करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। सो वन ऑफ दोज वेबिनार्स, कुछ लिंक्डइन पे करता हूँ, कुछ मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल जो कि अली शाह रीइन्वेंट है उसके ऊपर करता हूँ। सो एंड अप डूइंग वन ऑफ द वेबिनार्स, की ऑडियंस उसकी जो मेरे यूके के दोस्त हैं, नेटवर्क हैं, वो थे, लेकिन दिस फ्रेंड ऑफ माइंड ऑल्सो अटेंडेड दैट वेबिनार। उसने मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट सेशन कहा कि आपने मेरे माइंड में जो क्वेश्चन थे, जो मेरे माइंड में आ रहे थे, वो आपने मोस्टली इसमें से एड्रेस कर दिए हैं, तो आई वुड लाइक टू हैव अ वन टू वन कन्वर्सेशन विद यू आफ्टर दिस वेबिनार, सो वेलकम, व्हाई नॉट। सो वी एंडेड अप चैटिंग एंड ही सेड यार मुझे ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया आपके प्रोजेक्ट में, एंड आई वुड लाइक टू बाय अपार्टमेंट्स बिकॉज आई एम इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद।
सौ बिस्मिल्लाह आप आने वाले बने। खैर वो नेक्स्ट टाइम इस्लामाबाद आया, उसके साथ मैंने साइट विजिट किया एंड ही एंडेड अप बाइंग टू अपार्टमेंट फ्रॉम मी विच वर वर्थ मोर देन 200,000 पाकिस्तानी, जो 2 करोड़ रुपया बनता है। सो इन डॉलर्स इट वुड बी अराउंड 75K। अच्छा ये एक चीज हुई है रिसेंटली, आई थिंक अर्लियर दिस ईयर। और आजकल को पता मार्केट पाकिस्तान में काफी टफ है, देयर आर चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट लीड टू, और जो पॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से आजकल घबरा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर आपका बिजनेस चल रहा है ना, सो दैट इज समथिंग बिग। इसके साथ साथ एक और दोस्त है, उन्होंने इस तरह रीच आउट किया एंड ही वाज आल्सो फॉलोइंग मी ऑन सोशल मीडिया ऑन लिंक्डइन एंड ही एंडेड अप सेम स्टोरी दोबारा रिपीट हुई, उन्होंने एक अपार्टमेंट और खरीद लिया मेरे से 2 बेड का। सो आई एंडेड अप मेकिंग ऑलमोस्ट $100,000 जस्ट बाय पोस्टिंग कंसिस्टेंटली ऑन लिंक्डइन। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी लंबी करके बताई। जबरदस्त नहीं, आई वुड एग्री टू दिस बिकॉज अब मैं जब लिंक्डइन यूज कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, तो उसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि यूट्यूब तो मैं कर रहा था ना, यूट्यूब तो मैं पिछले 4 साल से कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ मैं, एंड यूट्यूब इज माई मेन प्लेटफॉर्म। लेकिन लिंक्डइन पे आने की वजह से अब आपको हर जगह नहीं आप रह सकते, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि अकेले काम कर रहा हूँ, टीम के साथ नहीं हूँ, सो यू कैनॉट लाइक हैव यूट्यूब, यू कैनॉट हैव ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब कुछ नहीं हो सकता। आपके पास टीम होनी चाहिए, और अगर वो टीम हो भी जाए तब भी जो ग्रोथ है ना वो आपको एक या दो प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगी। सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपको ग्रोथ मिल रही है तो इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। सो यूट्यूब तो आई एम ऑल इन टू इट, लेकिन लिंक्डइन एक तो मुझे, मैं पहले ट्विटर यूज़ करता था टेक्स्ट बेस के लिए, लेकिन जब से मैंने लिंक्डइन यूज़ करना शुरू किया है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अप्रोच होती है वो बहुत आसान होती है और ऑथेंटिक होती है, क्योंकि जो लोग भी आपको मिलते हैं वो उनका प्रोफाइल बना हुआ होता है, उनका नेटवर्क बना होता है, उनके साथ आपका कुछ कोई ना कोई कॉमन कनेक्शन होता है। फेसलेस कोई नहीं होता यहाँ पर, यूट्यूब पे आप फेसलेस हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फेसलेस हो सकते हैं, टिकटॉक पे फेसलेस हो सकते हैं, आप ट्विटर पे फेसलेस बहुत लोग होते हैं, लेकिन लिंक्डइन का वो ट्रेंड बनता ही नहीं है कि आप फेसलेस हो। लिंक्डइन पे आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है, वंस आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है तो लोग आपसे ऑथेंटिकली बात कर सकते हैं। मेरी अपनी जब मैं लिंक्डइन करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि जो बहुत जिन ब्रांड्स के बारे में बात करता हूँ, या बहुत सारी ब्रांड्स मुझे उनके CTOs CEOs मुझको लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करते हैं, एंड आई वुड सेफली से कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जस्ट थ्रू बिकमिंग एक्टिव ऑन लिंक्डइन। और जो अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे आपके फ्रेंड के साथ, वो जिस तरह से लोगों की अप्रोच होती है कि लिंक्डइन से जॉब ढूंढनी है, बिल्कुल जॉब ढूंढनी चाहिए लिंक्डइन से, लेकिन जॉब ढूंढने का तरीका होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लिंक्डइन प्रीमियम रख लिया है और अब आप बैठे में कि आपके पास रिक्रूटर्स खुद आएंगे, डायरेक्ट आपसे अप्रोच करेंगे कि लिंक्डइन आप पे आपका प्रीमियम है इसलिए लेट्स हैव अ टॉक एंड आपको हम जॉब ऑफर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपको एक्टिव रहना पड़ता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि कॉन्टेंट आइडियाज आना मुश्किल होते हैं, मैंने तो अपना एक सिस्टम बना लिया है कॉन्टेंट आइडिया के जनरेशन का, लेकिन आई वुड बी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू कि आपका क्या कंटेंट क्रिएशन का आइडिया है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को कि भाई बनाएं क्या, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप हर रोज पोस्ट कर रहे हैं और कोई नई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं और उसको उतना ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर आप पोस्ट करें। सो हाउ डू यू गो अबाउट इट? पर आपने बड़े इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर किए हैं एंड आई टोटली एग्री टू इट कि लिंक्डइन को अगर प्रॉपरली यूज किया जाए ना तो ये बाकी सारी चीज़ों से एक इसके अंदर ऑथेंटिसिटी है और क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज यू हैव अ नेटवर्क, उसके अक्सर जो लोग हैं आपके सेकंड या थर्ड डिग्री कनेक्शन में हो। द क्वेश्चन यू जस्ट आस्क्ड मी इज बेसिकली अबाउट के इसको कैसे हम कर सकते हैं यूटिलाइज, और मेरा सिस्टम क्या है बेसिकली टू जनरेट कॉन्टेंट। तो यार जैसे मैं जिम जाता हूँ एंड आई हैव मेड इट अ पॉइंट, आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर मेनी ईयर्स नाउ, सिमिलरली आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि मैंने लिंक्डइन की पोस्ट मिस नहीं करनी, आई जस्ट हैव दैट इन मी कि यार मैंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ डालना है। Because when you start seeing the results of it, लोग appreciate कर रहे हैं, people are getting impacted by it positively, और उनकी lives में कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है just by sharing some positive thought. Because ये तो हमारा religion में कहता है कि यार नेकी, ये अगर आपकी smile भी है ना, मुस्कुराहट भी, ये सबका जा रही है। So you come across somebody who is a positive mindset, who has a growth mindset. So just share something. देखिए ना कोई जैसे Twitter की जो परिंदों को ट्वीट किया जाता है कि परिंदे चू चू करते हैं, तो उस तरह की चीज़ है कि हम आएँ और हम कोई ऐसी बात करते हैं अच्छी, स्पेशली उस टाइम पे जब लोग अभी लॉग इन हो रहे होते हैं। तो आई डू इट अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग, जब लोग लॉग इन हो रहे होते हैं अपने ऑफिस में आके। अगर मैं 9 AM किसी तरह से मिस कर दूँ तो फिर मैं 12 PM या 1 PM अराउंड लंच टाइम का होता है कि पीपल आर चेकिंग लिंक्डइन पे क्या हो रहा होता है। सो आई टॉक अबाउट, आई कीप इट लाइट,
समटाइम्स आई टॉक अबाउट कि प्रैक्टिकल आइडियाज मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड, जो फाउंडर्स को चैलेंजेस आ रहे होते हैं उनसे रिलेटेड. समटाइम्स आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए. टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, द मल्टीपल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल दैट. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बाइट साइज आप बना के डालें. हर चीज आपके माइंड में हर वक्त नहीं आ रही होती, तो एज यू सेड, उसके लिए फिर आई यूज AI, आई यूज चैट जीपीटी. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार चैट जीपीटी की वजह से आपकी रीच कम हो जाती है. पर्सनली आई एक्सपीरियंस नथिंग लाइक इट. आई पर्सनली जब मैं माइंड में कोई भी चीज आ रही होती ना, आई जस्ट राइट इट, और वो रैंडमली मैं देखता हूँ. उसमें अंग्रेजी बहुत ही खराब होगी, बट आई कन्वर्ट इट, आई ब्रिंग इट टू चैट जीपीटी. व्हेन इट कम्स आउट ऑफ चैट जीपीटी, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड थिंग. तो वो जो कॉन्सेप्ट आपका है, उसको आसानी से बनाकर बता दिया. राइट. उसमें से कोई चीज हिट हो जाती है, कोई चीज नहीं जाती, तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम. कोई चीज क्लिक होगी, कोई नहीं होगी. बिल्कुल सही है. अच्छा, मुझे एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपसे पूछना है, क्योंकि आप काफी अरसे से लिंक्डइन कर रहे हैं. तो मैं जब लिंक्डइन पोस्ट बना रहा होता हूँ ना, मेरे पास तो टाइम नहीं होता है ना, मैं ऑफिस भी कर रहा होता हूँ, अपना फैमिली भी होती है, और कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब की मैं कम से कम 5 वीडियोस भी, आजकल 3 से 5 हो गई है मेरी, क्योंकि मेरा इंग्लिश चैनल भी है, तो मैं इंग्लिश चैनल के ऊपर भी एक वीडियो तो डाल ही रहा होता हूँ हफ्ते की. अदरवाइज 3 से 4 वीडियोज मेरी उर्दू पर भी जा रही होती हैं. सो आई वॉन्टेड टू आस्क यू, लिंक्डइन पे अब जब मेरे पास टाइम मिलता है ना, मेरा मसला ये कि टाइम कम होता है, तो टाइम जब मिलता है उस टाइम पर, और मैं एक कंटेंट कैलेंडर के हिसाब से नहीं चल रहा होता लिंक्डइन के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लिंक्डइन पे अगर मैं एक फिक्स कंटेंट कैलेंडर पे चलूंगा तो शायद ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है. मुझे आज कोई चीज समझ में आती है, मैं उस पर फॉरन पोस्ट बना के फॉरन उसको डालता हूँ. मैंने कभी कभी देखा है कि मैंने रात के 10 बजे भी पोस्ट डाली है ना, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. ये जो टाइमिंग वाला फैक्टर है, ये कितना इम्पैक्ट करता है? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर टू सम एक्सटेंट, और टिकटॉक, ये टाइमिंग पे चल रहे होते हैं. YouTube टाइमिंग पे नहीं चलता है. YouTube पे आप जब भी वीडियो डालेंगे वो इवेंचुअली जिस तरह चलनी होगी वो चलेगी. लेकिन मैंने LinkedIn को देखा है कि कभी कभी पोस्ट अगर रात में डाल रहे हैं तो नहीं चलती, कभी कभी वो चल भी जाती है. सो इन योर प्रैक्टिस आपने देखा है कि टाइमिंग कितना इंपैक्ट कर रहा होता है? अगर आप US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप GCC कंट्रीज के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का. बराका के थ्रू आप US के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल, बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं. मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ US के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक Amazon, Google, Microsoft, या फिर आपके पास ETF हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है. बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है. डू ट्राई दिस आउट. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. डेफिनेटली जो टाइमिंग है वो मैटर करती है, एंड एज यू सेड के थिंग्स हैव वर्क्ड डिफरेंटली फॉर यू. मेरे केस में मुझे यूजली जो टाइम सूट कर रहा होता है वो 9 AM या 1 PM का कर रहा होता है. कई दफ़ा मैंने देखे जो वीकेंड की पोस्टें हैं वो इतनी अच्छी नहीं चल रही होती, समटाइम्स वीकेंड के ऊपर वो इतना वो नहीं होता. लेकिन जैसे अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें ना, तो पर्सनली व्हाट वर्क्स फॉर मी इज दिस कि मैं एक स्पेसिफिक टाइम पे मैंने अपने लिए तय कर लिया मैंने डालने डालना है, उस टाइम पे मैं डालना शुरू कर देता हूँ. उसका बेनिफिट ये हो जाता है जो मेरी ऑडियंस है, अगर कुछ लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, तो उनको पता है कि यार इतने बजे इसके आने से कुछ कुछ ना कुछ आना है इसकी तरफ से. सो दैट रियली हेल्प्स. तो मेरे केस में तो मुझे इस तरह बेनिफिट हो जाता है, बट एज यू सेड इन योर केस इट्स अ बिट डिफरेंट. So I think that's a different approach. हाँ नहीं, मतलब मुझे लगता है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग को देखना चाहिए. इनफैक्ट मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो US में थे, और वो भी लिंक्डइन क्रिएट करते हैं कंटेंट, तो वो कहते हैं कि यार हम क्या करते हैं कि अगर उनकी ऑडियंस दोनों की है, US की भी है और लेट से पाकिस्तान GCC कंट्रीज की भी है, तो वो क्या करते हैं कि एक कंटेंट डालते हैं US के हिसाब से, लेट से वो सुबह के 9 बजे US के हिसाब से डाल रहे हैं, उसी कंटेंट को रात के 12 बजे लेट्स से रात के 9 बजे रीपोस्ट कर देते हैं विदाउट शेयरिंग एनीथिंग एल्स, बस रीपोस्ट कर देते हैं. तो एज पर हिम इट गिव्स हिम लेट्स से ट्रैक्शन ऑन दैट एज वेल, कि उसकी जो जो पाकिस्तानी ऑडियंस थी वो रात के टाइम पे, क्योंकि वो लोग सो रहे थे वहाँ के 9 बज रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने जब पोस्ट की तो उनको नहीं पहुँची, लेकिन जब रीपोस्ट करते हैं तो उनको पहुँच जाती है. इसी तरह से AI की बात की, तो AI को मैं भी यूज़ करता हूँ, बट AI को मैं इस तरह से यूज करता हूँ कि आइडिया जनरेशन के लिए, और उसके बाद आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए कि किस तरह से उसको कर सकते हैं. मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे जो वर्डिंग्स हो मेरी अपनी हो, थोड़ी बहुत उसकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो, क्योंकि अब टाइम कम होता है तो वो सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम मैं AI यूज़ कर लेता हूँ. लेकिन मेरा ऑथेंटिक रहने का प्लान होता है कि किसी तरह से मेरी जो थॉट्स हैं वो उसी तरह से आए. एक चीज़ मुझे पता है कि ये सेल्फी का क्या सीन है इसमें लिंक्डइन के अंदर? मैंने देखा है कि जो आप अपनी फोटोज पोस्ट करते हैं उसमें ज्यादा अट्रैक्शन मिलती है कंपेयर टू
कोई भी और चीज आप पोस्ट करें. एब्सोल्युटली, जितना भी आप ऑथेंटिक होके आएंगे लोगों सामने, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंपैक्ट और लोग उससे रिलेट कर पाते हैं. और आई वाज लकी कि मुझे कुछ तो मैं सेल्फीज लेता रहा हूँ, लेकिन मुझे रिसेंटली आई ऑलवेज हैड कंपनी. आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जो मैं उनसे ट्रैवल कर रहा था, तो दे हैव बीन काइंड इनफ. दो समटाइम्स दे रियली गेट अनॉयड यार, तो मैं हर टाइम यही सोचते रहता हूँ किस एंगल पे कहाँ पे पिक्चर अच्छी आएगी, सो प्लीज टेक माई पिक्चर. तो ये चीज़ है कि आपने यू हैव टू बी अ लिटिल बिट कंसिडरेट ऑफ पीपल एज वेल. बट अदर देन दैट, जो पिक्चर है एंड योर ओन पर्सोना है, वो दैट रियली कन्वेज अ लॉट. समटाइम्स अगर आप पिक्चर के बगैर पोस्ट करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है, डिग्रेड होती है. राइट. अच्छा भली, मुझे आप एक बताएं चीज़ कि आप माशाल्लाह एक चीज़ लिंक्डइन में बहुत अच्छी कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग लाइव इवेंट्स. व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट सो फार ऑफ दोस लाइव इवेंट्स दैट वी डू ऑन लिंक्डइन? अच्छा, वो लाइव इवेंट्स में मैं खुद पार्टिसिपेट किया, मैंने अभी तक अपना कोई लाइव इवेंट नहीं किया. लिंक्डइन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जो है ना इंस्टाग्राम की तरह बिहेव करता है, यानी कि आपकी जो आज की पोस्ट है वो अच्छी चली गई तो चली गई, वो एक दिन दो दिन तक अलाइव रहती है, उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है. तो यूट्यूब में ऐसा नहीं होता. यूट्यूब के अंदर अगर आपकी वीडियो आज अच्छी नहीं भी गई तो अगर वो सर्चेबल है या उसमें कॉन्टेंट अच्छा है, तो वो इवेंचुअली जाकर कभी ना कभी एक साल दो साल तीन साल बाद भी वो एकदम से ज़िंदा हो सकती है. लिंक्डइन में ऐसा नहीं हो सकता. इसी तरह से जो लिंक्डइन का लाइव इवेंट है उसका भी सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि वो जिस वक्त लाइव हो रहा होगा ना उस टाइम पर ही आपको उसको यूज़ करना है, अदरवाइज वो फिर ख़त्म हो जाएगा, उसको आर्काइव भी नहीं रहेगा वो. यानी कि जो ऑडियो इवेंट्स होते हैं लिंक्डइन के, वो आपको आर्काइव में नहीं मिलेंगे अनलेस एंड अंटिल आप उसको खुद से रिकॉर्ड कर लें या सेव कर लें. तो इट वॉज गुड, क्योंकि यूट्यूब की ऑडियंस डिफरेंट है, लिंक्डइन की ऑडियंस डिफरेंट है. तो मैंने जिन लोगों के साथ भी काम किया तो इंटरेक्टिवनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक्डइन बहुत अच्छा है. मैंने YouTube लाइव भी किया है, मैंने ऑलमोस्ट कोई 6-7 YouTube लाइव किए अब तक, लेकिन मुझे वाकई में LinkedIn लाइव करने में ज़्यादा मज़ा आया. और उसका रीज़न शायद ये भी था कि उसमें आपकी जब आप YouTube कर रहे होते हैं ना तो उसमें कॉन्स्टेंटली आपको वीडियो भी करना होती है, लेकिन LinkedIn लाइव के अंदर आप ऑडियो अगर कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक पोजिशन में बैठे हुए हों या कैमरे को देख रहे हों, तो आप थोड़ा सा यू आर एट योर ओन एटमोसफियर. बाकी जिस तरह से लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो भी ऑडियो के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, सो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन यूट्यूब लाइव. तो मुझे लगता है क्योंकि यूट्यूब लाइव के अंदर लोग बुला तो सकते हैं आप उनको, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बेस ही काम चल रहा होता है. लिंक्डइन लाइव के अंदर आप ऑडियो बेस लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक जिसकी वजह से आपको मेरे ख्याल से डिफरेंट आपको इम्पैक्ट मिलता है. अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है. पर्सनली आई यूज लिंक्डइन लाइव विद वीडियो इवेंट्स, और उसमें मैं उसको अपनी जो कंपनी है उसके लिए यूज़ करता हूँ. जैसे ZicoFi हमारा बिजनेस है, विच इज़ बेसिकली अ कंसल्टिंग फॉर्म, एंड वी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, और उसके लिए हम ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग करते हैं. सो उस पर ब्रांड बिल्डिंग ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने के लिए वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग वीडियो इवेंट्स पर वीक. अच्छा, उसमें मुझे ये फ़ायदा नज़र आता है कि अगर आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं वेन यू गो लाइव ओनली फ्रॉम योर ओन प्रोफाइल, at that time it gives them a notification that person is live, and you give them, if you wanna watch out you can go and watch and check out kya baat kar rahe hain. lekin jo apni aapki company ka page hai, I recommend ki aap usko thoda sa mazid enhance kare, followers leke aaye, kyunki unko aapki notification jayegi ki aapki ye banda jo hai ya ye company ka page live hai. so that really helps to build credibility of the brand as well. so personally I found it quite useful कि जो लिंक्डइन है उसके जो वीडियो इवेंट्स हैं यूजिंग स्ट्रीमयार्ड यू कैन डू दैट, और उसमें आप मल्टीपल पर्सन को भी लेके आ सकते हैं. सो दैट्स क्वाइट डिफरेंट. नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन मसला क्या होता है, स्ट्रीमयार्ड को मैं यूज कर सकता हूँ या कोई और प्लेटफॉर्म में यूज कर सकता हूँ वीडियो के लिए, लेकिन लिंक्डइन का जो ऑडियो लाइव है जो उसका एसेंस है वो ये कि आप इंटरेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं थ्रू ऑडियो कॉल्स. वो नहीं आ पाता स्ट्रीमयार्ड के अंदर, क्योंकि वो अगर आप करते हैं तो फिर वो अगेन वीडियो आ जाती है उसके अंदर, या आप किसी को लेके भी आते हैं तो वो एडिशनल एक हर्डल आता है. लिंक्डइन ऑडियो कोई बंदा अपने फोन के ऊपर इस वक्त भी यूज करते हुए एकदम से अगर एंटर करता है तो उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक हेडफोन चाहिए, अगर अदरवाइज स्पीकर से भी बात कर सकता है, एंड ही कैन स्पीक विद ऑन माइक. अच्छा, ये सब कुछ तो ठीक है, ये आप अपनी बिजनेस के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी मेरे ख्याल से लिंक्डइन, उनके लिए ही इनफैक्ट लिंक्डइन जो बना था वो तो उन्हीं के लिए बना था. तो अगर किसी को एक्सेल करना है, जॉब चेंज करनी है, तो आप उसके लिए क्या रेकमेंड करते हैं, क्योंकि यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स एज वेल, तो लोगों को देखा आपने लिंक्डइन को उस तरह से यूज करते हुए? कोइंसिडेंटली
इसे कहते हैं देखना तकरीर की लज्जत, जो कि जो उसने कहा मैंने ये सोचा कि वो भी मेरे दिल में। आप जो, मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला, अच्छा जबरदस्त, जो दोस्त है नेदरलैंड्स वाला, हाँ। उसके केस में मुझे क्या मशवरा दें, बिकॉज वी आर टॉकिंग वेरी कंटेंट क्रिएशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, सही सही, लेकिन पर्सनली आई सी दिस के अगर कोई बंदा है जो बेसिक यूजेज हम उसे समझते हैं कि वो लिंक्डइन को तभी हाथ लगाता है जब उसने जॉब सर्च करनी हो, या दोज पीपल हु जस्ट गो ऑन लिंक्डइन और सिंपली अपनी कंपनी की जो पेज पे अगर एक साल के लिए वो काम करता है या नोकिया के लिए करता है तो वो अपनी कंपनी की पोस्ट को रीपोस्ट कर देते हैं एंड दैट्स इट, दे थिंक दैट द जॉब इज डन। हम बात कर रहे हैं कि जब आप इस तरह हैं और अगर आपने जॉब सर्च करनी है, डोंट स्टार्ट व्हेन यू लूज द जॉब, स्टार्ट बिफोर दैट, वेल बिफोर दैट यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑन लिंक्डइन, जहाँ पे प्रोफेशनल हैं, जहाँ पे आपके बॉसेज हैं उनके बॉसेज हैं, आपके कंपनी के सीईओज हैं, टू एंगेज विद दैम। So one thing is you need to be connected with that. So spend half an hour to one hour, make a pact with yourself, ki commitment karein ki aapne karne karna hai. Just like jo bhi koi walk karte hain, exercise karte hain, jo bhi karte hain, khana khate hain, washroom jaate hain, you have to do LinkedIn like that. Uska fayda kya hoga? Uska fayda ye hoga ki number one, aap dekh rahe hain log kar kya rahe hain, aap unse seekhte hain. Number two, aap ye kar rahe honge ki aap unko bata rahe honge jo bhi aapka subject matter expertise hai. Start talking about it. Start sharing. That builds your credibility and that brings your authenticity as well. That you have a grip on your subject. Aapko job ke liye hunt karne ki zarurat nahi padegi. People literally land contracts through LinkedIn because logo ko pata hota hai ki yaar ye banda flani cheez ka expert hai. So they land opportunities, they land businesses, coaching engagements aa rahi hoti hain. There are so many things that happen. So you turn the thing around rather than going on the negative side ke jisme aap keh rahe mujhe maine job hunt karni hai. Let people come to you. Let recruiters contact you because you have established your credibility. I agree to this क्योंकि मैंने दो content creators को LinkedIn पे देखा था, क्योंकि मैं telecom domain से हूँ तो मैंने पाकिस्तानी Indians होंगे, I haven't been following a lot of Indians on LinkedIn telecom perspective से, लेकिन मैं पाकिस्तानी तो मेरे network में बहुत सारे हैं। मैंने अभी तक कोई major पाकिस्तानी LinkedIn content creator in the space of telecom नहीं देखा, और मैंने आप कैन यू इमेजिन कि मैंने पीपल फ्रॉम यमन, एक बंदे को मैं जानता हूँ जो यमन से कंटेंट क्रिएट करता है फॉर 5G फॉर टेलीकॉम स्पेस, एंड इवन अफगानिस्तान, वहाँ से भी मैंने एक कंटेंट क्रिएटर को देखा जो कि क्रिएट करता है कंटेंट अराउंड टेलीकॉम, एंड देव गॉट ह्यूज फॉलोइंग लाइक मे बी 100,000 प्लस, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर नाउ, उसके इतने अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, और बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है यमन से। कैन यू इमेजिन कि सम कंट्री विच इज वॉर टॉर्न और उसका एक बंदा बैठकर 5G के ऊपर कंटेंट बना रहा है, और इवन उस कंट्री में शायद 5G आया भी बिना, वो उस पर कंटेंट बना रहा है और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, तो हाउ डिड ही क्रिएटेड हिज ओन स्पेस इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, ये माइंड ब्लोइंग है कि आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इस बात की इस बात को आपको रोकती नहीं है कि आप कुछ कर सकें। सो एंड ये सारे टूल्स जो अवेलेबल हैं, फ्री के टूल्स अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब, जो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर फ्री मार्केटिंग टूल फॉर योरसेल्फ, चाहे आपको बिजनेस करना हो, चाहे आपको जॉब करनी हो। यार वली, आपने बड़े इंटरेस्टिंग बात अभी की है, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि व्हेन समबडी इज स्टेइंग इन अ कंट्री तो वो उसके डायनेमिक्स फर्क होते हैं, वो लिंक्डइन का यूजेज डिफरेंट तरीके से करेगा, वो अपने फील्ड में जो अभी चीज़ें चल रही हैं उसी के बारे में बात करके अपनी क्रेडिबिलिटी बेटर बनाएगा ताकि कोई अच्छा रोल ही कैन लैंड सम गुड रोल, या वैसे लोगों को हेल्प करें और आगे जाके लोग खुद समझ जाएंगे यार ये बंदा जो है ना इज अ गिवर एंड ही विल बी एबल टू अदर पीपल आर एबल टू रीच टू हिम, रीच आउट टू हिम। एक बंदा है जो मिडिल ईस्ट में जॉब सर्च करना चाह रहा है, आप मुझे बताएंगे वो लिंक्डइन का मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, जो निकलना चाह रहे हैं, मिडिल ईस्ट आना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जॉब्स नहीं है, कहाँ से स्टार्ट लें? यार देखें, सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग है, यानी कि अगर आप मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करें, कंपनीज के पेजेस के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करें। एक बड़ी अच्छी टिप है मैं आपको देता हूँ, फर्ज करें मुझे ये किसी ने बताई थी तो एंड इट वर्क फॉर मी, कि आप मैं अपने लेट से मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, मुझे किसी एक कंपनी का बहुत अच्छा पता है कि यार ये कंपनी मेरे मेरे जो भी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा अलाइंड है, और इस कंपनी के बारे में मैं बात करूँगा तो मेरी ऑडियंस को बहुत फ़ायदा होगा और इस कंपनी को भी फ़ायदा होगा, बट हाउ टू रीच आउट टू दैट, बिकॉज वो अच्छा नहीं लगता कि जो है ना मैं बार बार ईमेल्स करूँ और मैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मैं क्यों करूँ, मतलब ठीक है एक एक टाइम पर आप पिच कर सकते हैं लेकिन पता चला वो इस तरह से रिस्पॉन्ड ना करें।
सो समबडी टोल्ड मी कि आप ये करें कि लेट से कोई भी बैंक है या कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आप बात करना चाह रहे हैं, गो टू देयर फेसबुक पेज और सॉरी लिंक्डइन पेज। और अब आजकल के ज़माने में जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो ट्राई करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी लिंक्डइन के ऊपर हों और उस कंपनी से एसोसिएटेड हों। गो टू देयर फेसबुक लिंक्डइन पेज एंड वहाँ पर सर्च करें उनको, उनकी मार्केटिंग की जो टीम है ना उसको सर्च करें। अब उसमें आपको चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिलेगा या मार्केटिंग मैनेजर, डायरेक्टर, उस लेवल के लोग मिलेंगे। अब तो इवन जो सोशल मीडिया कोलैबोरेटर्स होते हैं या एंगेजर्स होते हैं वो भी अलग से अपनी वो लिखते हैं कि वो किस टाइटल के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, और डायरेक्ट डीएम करना मैं नहीं रिकमेंड करता, आप पहले उनके साथ इंटरेक्शन शुरू कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्शंस मेक कर सकते हैं। अगर वो लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हैं, जो कि आजकल लोग होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट काइंड ऑफ कनेक्शन विद देम, फिर आप एक टाइम पर आकर डीएम भी कर सकते हैं। हो सकता है आपकी पोस्ट जो है या कमेंट्स जो इतने एंगेजिंग हो कि वो लोग खुद उस पर रिप्लाई करें। सो दिस इज वन एग्जांपल। फर्स्ट करें, आप किसी भी मल्टीनेशनल के अंदर सप्लाई प्लानिंग के अंदर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके अंदर ग्रो करके दुबई आना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, उस कंपनी के अंदर जो लोग आपको लिंक्डइन के ऊपर नजर आते हैं उनके साथ इंटरेक्शन शुरू कर दें, उनके साथ कनेक्शन मेक करना शुरू कर दें। एंड दिस टेक्स टाइम, लाइक ये नहीं होगा कि आपको आज जॉब चाहिए और आपको कल आपको ये सब कुछ हो जाएगा। इसमें मेरा ख्याल से 6 महीने तो चाहिए आपको, लेकिन 6 महीने जब चाहिए जब आपके पास जॉब हो, आप एक हायर लेवल के ऊपर हो, यानी कि अपर हैंड हो आपका। ये नहीं हो कि आप डेस्परेशन की सिचुएशन में हो। वंस आप डेस्परेशन की सिचुएशन में होते हैं ना, उस टाइम पर ये काम करने के टाइम नहीं होता नेटवर्क, क्योंकि आपको पता है कि जो जिस बंदे के थ्रू आप बात करना चाह रहे हैं उसको भी पता है कि आप डेस्परेट पोजिशन में हैं। वंस आप अपर हैंड के ऊपर होंगे ना, तो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रीट किया जाएगा। सो अगेन उसमें भी यही है ना कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जब आप ब्रोक होते हैं। इन्वेस्टमेंट आप उस वक्त करते हैं जिस वक्त आपके पास पैसे होते हैं, जिस वक्त आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उस वक्त आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप एक टाइम पर आके आपके साथ ये चीज़ें खत्म भी हो सकती हैं। सो पॉइंट ये कि जिस वक्त भी आपको नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है, उस टाइम पर आपके पास सिचुएशन आपकी अपनी बुरी नहीं होनी चाहिए, आप ब्रोक नहीं होना चाहिए, आपकी जॉब, आप जॉब की सिचुएशन आपकी ऐसी हो कि आप कहीं जॉब कर रहे हो तो, और इसी तरह से बिजनेस में भी। सो नेटवर्किंग के लिए बहुत एक प्री रिक्विजिट है कि आपका अपर हैंड होना चाहिए, आप इक्वल बेसिस के ऊपर बात करें जिससे भी बात करें। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ एन एग्जांपल, व्हेन आई यूज्ड लिंक्डइन क्वाइट इफेक्टिवली, आई वाज मूविंग टू द यूके फ्रॉम पाकिस्तान बैक इन 2008, उस वक्त लिंक्डइन नया नया आया था, बट आई एस्क्ड आउट एक मोबिलिंग के, मैंने सर्च किया और जो लोग मुझे नजर आए यूके में मोबिलिंग के बैठे हुए, आई स्टार्टेड सेंडिंग देम डीएम्स एज यू मेंशन्ड, एंड आई एस्क्ड देम कि यार मैं आ रहा हूँ, मैं मोबिलिंग से हूँ, मैं यूके आना चाह रहा हूँ, जॉब हंट कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, सो लेट्स हैव अ कॉल। दे वर काइंड एनफ, और उनमें से एक दो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे, जब मैं यूके गया जॉब हंट के लिए, तो दे वर काइंड एनफ कि हमने लंच भी किया और बड़ा मजा भी आया, उन्होंने सारी इनसाइट्स भी शेयर की, एंड वी बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स आफ्टरवर्ड्स। तो लाजमी आपने ये भी करना है कि डोंट लूज दोज कनेक्शंस, बिकॉज एज यू सेड कि डेस्परेशन में ये ना हो कि आप उसको उसी वक्त टच करें, देन यू लूज कनेक्शंस। अगर आपके साथ एक कनेक्शन, एक बंदा इन टच आ गया है ना, सो स्टार्ट बाय गिविंग, उनको कुछ ना कुछ बताएं, उनके साथ शेयर करें, कीप इन टच विद देम। इसे हमारी, आपको पता है टेलीकॉम की लैंग्वेज में हार्ट बीट कहते हैं, सो हार्ट बीट कनेक्शन जरूर रहना चाहिए ताकि यू आर ऑलवेज इन टच विद देम एंड यू कम आउट एज अ क्लिक पर्सन हु इज ऑलवेज देयर and who is helping the network. So network ka pehla tool ye hota hai, networking ka tool hai na LinkedIn, ke you have to start by giving. Logon ko value add kare, logon ki life mein jo bhi content de rahe hain usme bhi value add kare, you will see it will slowly and gradually start coming back to you. Bas usko end kar de, bas kar de. Chale, zabardast yaar Ali, it was insightful discussion. Aur hamari ek podcast hui thi almost 1 hour ki, almost jab mera channel start hua tha, I think 2 saal pehle तब हमने की थी, तो लोग जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा। अलीज हैड अ ग्रेट जर्नी, क्योंकि उसके अंदर जो लोगों का एक ड्रीम होता है ना कि अपनी 9 to 5 जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, तो वो चीज़ उन्होंने की थी। तो वो एक, अगर आपको वो पॉडकास्ट देखनी है तो वो जाके देख सकते हैं, उस पर दोबारा हम कभी डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे कि वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जब आपको, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ कि किस तरह से अपनी जॉब से ट्रांजिशन कर सकते हैं। और ये लोग बहुत सारे, सब लोगों का ड्रीम, आई थिंक ये मेजॉरिटी का ड्रीम होता है ये कि वो अपना काम करें, लेकिन वो काम इतना आसान नहीं है करना। तो यू डन दैट, और उस पर हम बात करेंगे किसी दिन। बाकी इट वॉज इंसाइटफुल एंड थैंक्स अगेन फॉर हैविंग दिस कोलैबोरेशन,
एंड इवेंचुअली कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? थैंक यू सो मच बोली, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक्स फॉर दिस इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस ग्रेट ऊलोंग टी, नेवर हैड इट बिफोर इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.